आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई, जिसमें लहसुन का फ्लेवर काफ़ी इनहेंस होके आता है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बनाने में भी बहुत आसान है, हार्डली आप इसे 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। लंच बॉक्सेस और साइड डिश के तौर पे आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम भिंडी चाहिए, जिसे धोने के बाद आप अच्छी तरह से उसके पानी को सुखा लीजिए। उसके बाद इस तरह से हमें उसे आधे इंच के टुकड़ों में काट के तैयार कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, तो यहाँ पे कटा हुआ लहसुन 3 टेबलस्पून के लगभग है। एक पूरा गांठ लहसुन का मैंने ले लिया था मीडियम साइज़ का, और उसे छीलने के बाद रफली चॉप करके इस तरह से ऐड कर देना है। इसी स्टेज पर ऐड करेंगे, इनका क्रंची फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में। यहाँ पर ऐड किया मैंने 2 हरी मिर्च रफली चॉप करके, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब जितने भी सूखे मसाले हैं इसी स्टेज पे हम डालेंगे, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा किचन किंग मसाला पाउडर, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही यहाँ पर ऐड किया है मैंने 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये स्टेप आप तभी कीजिए जब आपको भिंडी को तुरंत बनानी हो, इसे मिक्स करने के बाद रखिएगा नहीं तो ये मॉइस्चर रिलीज करेगा, और यहाँ पे हमने नमक ऐड नहीं किया है तब भी ये मॉइस्चर रिलीज कर देगा। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिएगा कि जब आपने बनाना हो उसी समय सारे सूखे मसाले मिक्स कीजिए और फटाफट इसे बनाइए। और यहाँ पर देखिए, हमने अच्छी तरह से मिला लिया है भिंडी को और अच्छी तरह से मसाला कोट हो चुका है इनके ऊपर। अब बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक पैन में लगभग 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, और इसके साथ ही यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हम ऐड करेंगे अजवाइन। भिंडी की किसी भी सब्जी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्किप किया है। अब मसाले को भूनने के बाद इसमें भिंडी ऐड कर देंगे, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था, और यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम के बीच रखना है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इस रेसिपी में आप देखेंगे भिंडी अपना कलर बिल्कुल लूज़ नहीं करता है, वैसे ही हरी बनी रहेगी हमारी भिंडी। तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे कवर कीजिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए हल्का सा। और यहाँ पर 3 मिनट हो चुका है, अब इस स्टेज पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया मैंने, आप स्वाद के अनुसार डालिए। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई के बीच कर देना है उसके बाद, और इसे बिना कवर किए हुए ही हमें फ्राई करना है। तो 1 से 1.5 मिनट के गैप पे आप इसे चलाते रहिए बीच बीच में, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होने लगेगी और इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी, ये टूटेगी नहीं बिल्कुल, और इनका कलर भी लूज़ नहीं होगा। तो उसके लिए आप इसे स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट के लिए ही ढकिए, उसके बाद बिना ढके आप इसे फ्राई कीजिए। और यहाँ पे हमने जो लहसुन ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से भून चुके हैं इसमें। ये देखिए इनका टेक्सचर, खाते समय ये आपके मुंह में जब आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इनका टेस्ट। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गया इसे भूनते हुए, काफ़ी अच्छा क्रिस्पी भिंडी बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए भिंडी की क्रिस्पीनेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से इनमें जो चिपचिपापन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इनका टेंगी टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। नींबू का रस ऐड करने के बाद हार्डली आपको इसे 30 सेकेंड तक मिक्स करते हुए भूनना है, और गैस का फ्लेम लो ही रखिए, क्योंकि रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये बिल्कुल तैयार है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसने अपना कलर भी लूज़ नहीं किया है, बहुत ही अच्छी बनती है ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने। इस रेसिपी की खासियत ये है कि बनने के 4 से 5 घंटे के बाद भी ये उसी तरह से क्रिस्पी बने रहते हैं, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए लिंक्स पर क्लिक कीजिए, और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।